Assalamualaikum, dear learners, potential entrepreneurs and Entrepreneurs लर्नर्स Action, इन एक्शन इन video. Uh, ये वीडियो है द challenges एंड चैलेंजेस ऑफ़ दम्स इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने कुछ ग्रोथ मॉडल्स भी आपसे डिस्कस किए थे कि अगर आपका स्टार्टअप है और वो सस्टेन कर गया है और अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डिफरेंट options मौजूद हैं सो इशूज एंड चैलेंजेस ऑफ द ग्रोइंग फार्म के ऊपर हमने अपने स्टूडियोज में बुलाया है डॉक्टर रिजवान सलीम को आप जानते हैं क्या ये

ग्रोथ फॉर्म ग्रोथ है ये किसी भी ऑंट्रप्रनोरियल वेंचर की लाइफ में और किसी भी ऑन्टप्रेन्योर की लाइफ में बड़ी गैर गैरमूली अहमियत की हामिल होती है आप आज जितने भी वेंचर्स देखते हैं जो बहुत प्रमिनेंट हैं और जो हमें नज़र आते हैं बड़े ब्रांड्स की शक्ल में ये शुरू से ऐसे नहीं थे बल्कि यू नो उनकी एक प्रोजेक्ट्री है ग्रोथ की ये माइक्रो लेवल से इनमें से बहुत सारे शुरू करके आज इस लेवल पर पहुंचे हैं कि इंटरनेशनल फ्रेम uh, के ऊपर हम इन्हें देख सकते हैं तो ये बहुत अहम टॉपिक है लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ ऑफ़ द फर्म है इसमें दो चीज़ें अहम होती हैं एक पहली चीज़ तो ये है कि चैलेंजेस ऑफ द फर्म्स टू ग्रो कोई वेंचर्स जो जिन्होंने अपनी प्रेजेंस uh, को अपनी एग्जिस्टेंस को अशोर कर लिया है उनके सामने ये चीज़ होती है कि अब उन्होंने ग्रो करना है तो एक फार्म को ग्रो करने के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक चीज़ दूसरी वो फार्म्स जो ग्रो कर चुकी हैं यानी जो कि स्मॉल से मीडियम बन गई हैं या मीडियम से लार्ज बन गई हैं या उससे भी बहुत पहले माइक्रो से स्मॉल बन गई हैं तो जो ग्रो कर चुकी हैं ग्रोन ऑफ फॉर्म्स हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं ये दोनों अलग टॉपिक्स हैं आप ये बताइए कि आप इनमें से किसके ऊपर गुफ्तु करना चाहती है? जरा रिजवान आपके सवाल ने इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बना दिया है तो यूं करते हैं कि इस डिस्कशन को दो हिस्सों में कर लेते हैं ठीक है पहले हम यूं करते हैं कि हम बात करते हैं ऐसे स्टार्टअप के जो सस्टेन कर गए हैं ठीक है वो अपने ब्रेक इवन तक पहुंच गए हैं उन्होंने प्रॉफिट्स भी रेवेन्यूज भी जनरेट करना शुरू कर दिए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि वो स्केल अप करें अपने बिजनेस को सेकेंड हाफ में फिर हम बात करेंगे कि वो जो ग्रो कर गए हैं ठीक है उनके क्या चैलेंजेस है सो पार्ट वन एक फॉर्म है और वो अब सस्टेन कर गई है उसका ब्रेक इवन भी अचीव हो गया है रेवेन्यूज भी आना शुरू हो गए हैं अब सबसे पहले उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे देखिए चैलेंजेस से पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं या नहीं अब इसके बहुत सारे एंगल हैं जिससे नवीन आप इसको देखेंगी आप ये देखती हैं कि वो बिजनसेस जो प्रोमिनंट होते हैं यानी जो आप देखते हैं ऑन द स्काई ऑफ इकानी आपको नज़र आते हैं शाइनिंग चमकते हुए उनकी तादाद बहुत कम होती है उन तमाम बिजनेसेस के नस्बत जो कि एक्चुअली अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और मार्केट में बहुत देर तक मौजूद भी रहते हैं इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है सबसे पहले तो जो क्रिटिकल रोल है वो एक ऑन्टरपेनोर का अपना होता है हम ये देखते हैं आपने अपनी लाइफ में ये देखा होगा टिपिकल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप ये देखते हैं कि बहुत साल पहले आपके इलाके में एक दुकान थी उस दुकानदार ने उस बिज़नेस को जिस साइज पे शुरू किया था साल साल के सफ़र के बाद इव, इवन दहाइयों के बाद भी आप देखते हैं कि उसका साइज़ वहीं पर है वो चल रहा है उसका ऑनर उससे कमा रहा है लेकिन उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है किसी भी हवाले हाँ से तो यहाँ पर अब पहली चीज तो वो एंटरप्रेन्योर है वो खुद बहुत क्रिटिकल है अब वो एंटरप्रेन्योर है उसकी अपनी जो विजन है बिजनेस के बारे में वो पहला फैक्टर है जो इसके अंदर रोल प्ले करता है कि यानी वो खुद डायनेमिक हो, हो हो खुद ग्रो करना चाह चाहे हो चाहे बिल्कुल ये वो अगर खुद ग्रो करना चाहता है और ग्रोथ उसके प्लान्स का हिस्सा है तो पहली चीज क्योंकि पहला पहली अपॉर्चुनिटी और पहला चैलेंज किसी भी वेंचर के लिए उसका ऑन्टप्रेन्योर ही बन जाता है बिल्कुल अगर ऑन्टरप्रेन डायनामिक है कम्पलेसेंट नहीं है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है रिस्क लेना चाहता है तो फिर आप ये देखेंगे कि वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेगा बिल्कुल। अब हम हम ये अज्यूम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक ऑन्ट्रप्र्योर जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि उसकी फॉर्म ग्रो करे वो अपना जो करंट साइज है ग्रोथ का बहुत सारी डायमेंशनस हैं जिससे हम ग्रोथ को मैयर करते हैं फॉर्म की उसमें लेकिन जो एक ऑबियस चीज़ है वो हम कहते हैं कि साइज़ ऑफ फॉर्म जो है वो इम्प्रूव कर जाए वो कई हवालों से आप कह सकते हैं

आप ये देखते हैं कि एक बिजनेस मैन ने यह फैसला कर लिया है कि उसने ग्रो करना है उसके बाद अगली चीज ये है कि ये भी देखना होगा कि वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उस इंड... वो उस इंडस्ट्री की अपनी इस वक्त क्या स्टेज है ये लाजमन आपने ग्रोथ मॉडल्स में ये बात पढ़ाई होगी बिल्कुल जब एक इंडस्ट्री अगर मेचोरिटी पे पहुंची हुई है तो वहाँ सिंगल फॉर्म कुछ भी नहीं कर सकती अनलेस कि वो इस तरह से डाइवर्सीफाई करे कि वो इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज को क्रॉस करके नई इंडस्ट्रीज के अंदर दाखिल हो जाए अगर वो उसी फ्रेम में रहती है तो दूसरी चीज़ ये इसमें बड़ा रोल प्ले करती है तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस फील्ड में जिस बिजनेस में डील कर रहे हैं उसकी डिमांड सिचुएशन इस वक्त क्या है क्या मार्केट पोटेंशियल भी मौजूद है लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में या अवेलेबल नहीं है उसके बाद चौथी चीज़ जो अहम होती है वो लीगल फ्रेमवर्क है क्या लीगल फ्रेमवर्क आपको इसकी इजाज़त दे रहा है कि आप इस साइज से आगे बढ़ें या आगे बढ़ने के लिए आपको लीगल एंगल से कोई हर्डल्स या मुश्किल तो नहीं है अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ इनके ये सारी बातें ओके हैं वी एन भी मौजूद है ऑन्टरप्रेन कंप्लेसेंट नहीं है आगे बढ़ना चाहता है स्ट्रगलिंग है इंडस्ट्री के अंदर भी मार्जिन अभी मौजूद है ग्रोइंग है इंडस्ट्री भी आपको मार्केट के अंदर भी पोटेंशियल नज़र आता है और आपको लीगल एंगल से भी कोई इशू इसमें नहीं है और इन्वामेंटल एंगल से भी कोई इशू आपको नहीं है तो अब आप आपका ये सवाल पैदा होता है कि अब बताइए कि ग्रो करने के लिए कौन से एरियाज़ में पोटेंशली चैलेंजेस आएंगे देखिए इसी चीज़ को हम उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि अगला हिस्सा जो ग्रोन ऑफ फॉर्म्स का उसके साथ ये अप हो जाए देखिए आपको ये याद रखना है कि जब आप ग्रो करेंगे तो ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके बिज़नेस में इजाफा होना है आपके बिज़नेस में इजाफे का मतलब ये है कि आपकी जो मार्केट साइज है उसने बढ़ना है अब वो मार्केट किस तरह बढ़ रही है एग्जिस्टिंग मार्केट एक्सपेंड कर रही है नई मार्केट्स आपके लिए ऐड हो रही हैं नए सेगमेंट्स आपके लिए ऐड हो रहे हैं आपके बिजनेस में इजाफा हो गया है अब जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप ये देखिए कि जो जो ग्रोथ होती है उसको फ्यूल करना पड़ता है आपको जब आप ग्रोथ को फ्यूल करने की तरफ आएंगे तो सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत है वो फाइनेंशियल फ्रंट पे आपको चैलेंजेस आएंगे अच्छा इसमें ना रिजवान इसको लेट पुट इट इन दिस वे के साथ-साथ uh, पहली चीज आपने कहा ऑन विजन फिर दूसरा आपने कहा कि द नेचर ऑफ बिजनेस इटसेल्फ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा इंडस्ट्री डायनेमिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट चौथा जो पोटेंशल है मार्केट में जो ऑपरचुनिटी विंडो है उसका साइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और अब हम कैटेगोरी के लिए बात कर रहे हैं is it, is it वो एरिया जहां आपको चैलेंजेस आने वाले हैं बिल्कुल okay, उसमें सबसे पहले आपको जो रिसोर्सिस चाहिए ना तब रिसोर्स में आपको फाइनेंस चाहिए बिल्कुल अब आपको जब ग्रोथ फ्यूल करनी है तो यही वो मुकाम होता है जहाँ पर एक ऑन्ट्रप्रोर ये फैसला करता है कि उसको डेट फाइनेंसिंग करनी है या इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है या उसको दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना है अब दोनों फाइनेंसिंग आपने फाइनेंस के सेक्शन में अच्छी डिस्कस की होंगी कि वो इनके अपने प्लस एंड माइनस होते हैं लेकिन पहला चैलेंज आपको फाइनेंस के एंड पर है अरेंजिंग द फाइनेंस दूसरा क्योंकि फाइनेंस आ जाने रिसोर्सेज जिसको आप कह रहे हैं आ जाने से चीजों ने खुद ही नहीं चलना है यहाँ पर अब आप आपको टैलेंट की जरूरत है यानी कि आपको नया ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, टीम चाहिए आपको टीम एक्सपेंड करनी है और आप यही बात याद रखिए कि जब टीम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग लोग जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस एक तरह से कम हो सकती है तो आपको उनकी तरफ से सिर्फ ये नहीं है कि सपोर्ट आए उनकी तरफ से आपको रेजिस्टेंस भी आसके भी आ सकती है। फिर नए को भी करना है आपने और ये वो पॉइंट है कि जिसमें हो सकता है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट उनके स्किल डेवलपमेंट में भी करनी पड़े बिल्कुल करनी पड़ सकती है उस सूरत में जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिल्कुल वहाँ आपको जरूरत है और बाजात ये होता है कि कुछ लोग स्मॉल स्केल पर किसी एक्टिविटी को चलाने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं जब वो स्केल अप होता है ना तो उनकी उसके लिए ट्रेनिंग नहीं होती कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ती है आपको तो आपने कहा जी, जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इसको फिर एक और अहम एंगल ये है कि जब आप ग्रो करेंगे तो आपके आप पोर्टफोलियो में नए कस्टमर्स नई मार्केट जो है वो ऐड होगी जो नए कस्टमर्स और नई मार्केट ऐड होगी ना उसके बारे में आप ये याद रखिए कि उसके अंदर अब और तरह के कस्टमर्स आ सकते हैं और तरह की बैकग्राउंड के साथ और तरह के डायनामिक्स के साथ वो आ सकते हैं तो उसका आपने बहुत ज्यादा इसमें ख्याल रखना है अच्छा अब रिजवान आ जाते हैं अपने सेकेंड सेगमेंट की तरफ बिजनेस ग्रो कर गया है स्केल अप कर गया है चाहे वो नई मार्केट में चला गया है चाहे वो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ चला गया है चाहे उसने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डाइवर्सिफाई कर लिया है या उसने इवन एग्जिस्टिंग फर्म ने अपनी ब्रांचेस बढ़ा दी वट एवर इज़ फॉर्म ऑफ द ग्रोथ ठीक है ये हो गया है सो so, अब मुझे ये बताइए क्योंकि अब हमें शायद डिपार्टमेंटलाइजेशन की भी जरूरत पड़े अब हमें शायद इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़े अब हमें शायद जिसे कहते हैं अपनी एक एक जो चेन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसकी भी जरूरत पड़े तो इस तरह की जो फॉर्म है उसके चैलेंजेस क्या होंगे देखिए एक फॉर्म जो ग्रो अप कर चुकी है इस वक्त उसके चैलेंजेस थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं और थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं उस फॉर्म से जिसने ग्रो करना है अभी अब मैं इसको इस लेंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा जिसको हम फंक्शनल uh, लेंस कहते हैं एक बिज़नेस का यानी कि आप ये देखिए कि जब एक बिज़नेस शुरू होता है तो उसके अंदर एक सिंगल ऑन्टरपेन्योर है और उसकी आप देखें जो स्टार्टअप टीम है वो लोग बिजनेस के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एच आर फंक्शन है फाइनेंस का फंक्शन है प्रोडक्शन है आर एन डी है मार्केटिंग है छोटे स्केल पे ऑन्टर खुद ही खुद ही सब ये सब कुछ मैनेज कर रहा होता, होता है।, है लेकिन जब फर्म ग्रो कर गई है तो अब आप ये देखिए कि उसके तमाम फंक्शनल एरियाज में अब आपको स्पेशलाइज लोगों की जरूरत है तो सबसे पहला जो तो आपका चैलेंज है वो आपकी टीम एक्सपेंशन का चैलेंज आ जाता है तो यहाँ पर अब वो चीज़ ज़्यादा आपको शिदत के साथ महसूस होती है कि जो एग्जिस्टिंग आपके फाउंडिंग टीम होती है उसके साथ आपका एक गैप क्रिएट होगा जब आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है तो टीम एक्सपेंड करती है तो उनकी तरफ से आपको रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है नए लोग जब बाहर से अंदर आते हैं तो आपको अपनी फार्म के जो कल्चर है उसको मेनटेन करने के चैलेंजेस भी आ जाते हैं फिर जब लोग बढ़ते हैं तो वहाँ पर नौरी आपका जो इनिशियल स्ट्रक्चर था दोनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी और आपका लीगल स्ट्रक्चर भी अब नाकाफी हो जाते हैं अब आपको स्ट्रक्चर के अंदर भी तब्दीली करनी पड़ती है पहले आप फ्लोर शॉप फ्लैट स्ट्रक्चर से काम चला रहे हैं अब जब लोग बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना पड़े उसके अपने तकाजे हैं उसके अपने सिस्टम है तो ये एक चैलेंज होता है बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो करने के बाद इसलिए फेल हो जाते हैं कि वहाँ पर ऑन्टप्रनोर जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसको मैनेज नहीं कर पाता ऑर्गेनाइजेशन फ्लोर शॉप स्ट्रक्चर से हर में ग्रेजुएट नहीं कर पाती और इस ट्रांजिशन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है एक ये आ गया इशू आपको फिर आपको एक बहुत बड़ा इशू जो आता है वो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इशू है ज़्यादा सफिस्टिकेटेड आपको तरीक़ेकार चाहिए इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए इसी के साथ जुड़ा हुआ आपकी सप्लाई चेन के इश्यूज बिल्कुल वो अब आपको डिफरेंट क्योंकि अगर हमने या हमारी ब्रांच किसी एक शहर या किसी एक प्रोविंस में थी अब हम दूसरे किसी प्रोविंस में जाना चाह रहे हैं या फिर तीसरी बात यह कि हम उसको इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ कहीं बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अब इसे जो आप बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बहुत क्रिटिकल हो जाती है बिकॉज इट कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस इज इज इट सो ये बिल्कुल ठीक है देखें और इन आपकी ग्रोथ चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इन सारी सूरतों में सारी ग्रोथ की शक्लों में आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और एक इनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फेल कर देता है वो कैश फ्लो का चैलेंज है जब आप एक्सपेंड करते हैं ना तो ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ती है उसकी ग्रोथ फ्यूल होती है तो वहाँ पर आपको बहुत सारा कैश चाहिए होता है और आप ग्रो करने के, के की सूरत में आप बाजुकात एक्स्ट्रा क्रेडिट एक्सटेंड कर देते हैं बिल्कुल. और बहुत ज़्यादा क्रेडिट आप ले लेते हैं तो इससे आप कैश ट्रैप में भी आ जाते हैं इस बात का आपको तो ख्याल रखना पड़ता है अच्छा एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि आप ऐसे साइकिल में दाखिल होते हैं जहाँ फॉर द टाइम बिंग आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है आप बहुत सारे लोगों को हायर कर लेते हैं लेकिन कुछ अर्से के बाद जाके वो जो आपका साइकिल है वो रिवर्स हो जाता है और वो लोग जो, जो आपने हायर किए होते हैं वो आपकी फर्म के फाइनेसिस के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं आपको फिर लेफ्स करने पड़ते हैं फिर उसकी एक अलग कॉम्प्लीकेशन फिर है। आपको हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं इसीलिए आप देखें कि बिजनेस एक भी नया बंदा एंटर करने के हवाले से बहुत केयरफुल होते हैं ये कुछ मतलब बड़े बड़े चैलेंजेस हैं मेन मेन चैलेंजेस हैं, हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ओरिएंट करना है चीज़ों को तो मेरा ख़्याल है कि जब भी हमारे ख़ास तौर पे जो आपने कहा लर्नर्स हैं और आपके पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इवन ऑन्टरप्रेन्योर्स इन एक्शन हैं उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को ग्रोथ करते वक्त इन पहलुओं पर जरूर नज़र रखें बिल्कुल खास तौर पे वो लोग वो हमारे जो इस वक्त किसी इनक्यूबेशन सेंटर में बैठे हुए हैं और दे रियली टू कुक देयर आइडिया ये सारी चीज़ें ये एक तरह की एक चेक लिस्ट है जो उनके पास होनी चाहिए अच्छा हमारी सारी डिस्कशन में रिजान एक पॉइंट बड़ा अहम था और वो पॉइंट है ऑनटरपेनियोर पर्सनैलिटी या उसका जो अपना विजन है टूअर्ड लाइफ टूअर्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ़ और टूवर्ड्स बिज़नेस ये बड़ा मैटर करता है बिज़नेस की ग्रोथ में इसको हम एक अलग सेगमेंट में डिस्कस करते हैं तो हम बात कर रहे हैं द चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ़ द ग्रोइंग फर्म्स इससे पहले मैं और रिजवान बात कर रहे थे कि एक फॉर्म को हमने दो हिस्सों में देखा था एक वो फॉर्म है जो अभी तैयारी कर रही है कि उसने ग्रो करना है और एक वो फॉर्म है जो कि ग्रो कर चुकी है अच्छा मेरी और ऱवान की डिस्कशन काफ़ी हद तक आ, इस हवालों से रही है कि रिसर्च ने अभी तक क्या लिखा है लेकिन आपको मालूम है प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं और उसके लिए अपने स्टूडियोज़ में हमने बुलाया है इम्तियाज़ खालिद साहब को uh, इम्तियाज़ खालिद साहब के बारे में मैं लाइक क्या बताऊँगा कि ही इज़ एजुकेटेड एज़ एन इकानमिस्ट ही इज़ ट्रेंड एज़ अ बैंकर लास्ट फोर्टी ईयर्स ही इज़ डूइंग हिज ऑन बिजनेस ग्यारह कंपनीज अपनी जो जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं इज़ ए सील लॉन्च अपने और इन ग्यारह कम्पनीज़ में से uh, दो कंपनीज जो हैं एक तो चाइना और एक दुबई में भी हैं कुछ कंपनीज रिसेंटली सोल्ड की हैं बल्कि लास्ट एक कंपनी जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है इन द एज ऑफ सेवेंटी और इसके uh, अलावा जो मेन इनका एरिया है कोर एरिया जिन पर आजकल ये ज़्यादा काम कर रहे हैं दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो प्राइवेट सेक्टर हो एन जी ओज हों या इनक्यूबेशन सेंटर्स हों मेरे लिए सबसे अहम बात यह है यह मेरे मैंट हैं और इनसे जब भी कोई सवाल करें तो ढेर सारा सीखने को मिलता है सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन आर स्टूडियोज़ सबसे पहला सवाल एक ऑन्टरपनर कब डिसाइड करना चाहिए कि अब उसको अप की ज़रूरत है अब वो कर सकता है एंटरप्रेन्योर को कब डिसाइड करना चाहिए आई थिंक इट्स द रोंग क्वेश्चन बिकॉज डिसाइड करता है कस्टमर राइट right. अगर कस्टमर आपको डिमांड क्रिएट हो रही है नए कस्टमर्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट आपका वक्त बिक रहा है ज़्यादा तो यू हैव टू चॉइसेस आई टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट एंड ग्रो या फिर बंद कर दे तो so एंटरप्रेन्योर नहीं डिसाइड करता ये कस्टमर डिसाइड करता है कि ग्रो करना है या नहीं करना ठीक तैयारी उसकी उसकी सारा वजन जो है वो एंटरप्रेन्योर के ऊपर होता है कि उसने अपने आप को तैयार करना है ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है को लेने के लिए। जो कि उसको मिल रही ठीक सर यही एक्चुअली में वो सवाल था कि आ, हम जब पढ़ना शुरू करते हैं किताबों में जब ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये ये सर्टेन एलिमेंट्स अगर आप देखें जैसे आपने ब्रेक इवेंट चीफ कर लिया है या आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए हैं या आपका कैश इनफ्लो बेहतर हो गया तो अब आप डिसाइड करें कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है बट आज प्रैक्टिकल इंसाइट ये है कि एक्चुअली दिस इज़ द कस्टमर हु विल डिसाइड कि आपको कितना और कैसे ग्रो करना है सर वो फर्म्स जो कि ग्रो कर गई हैं या वो फर्म्स जो अभी ग्रोथ प्लान अपना प्रिपेयर कर रही हैं इन दोनों को सबसे पहला जो चैलेंज है जिसके लिए उनको जरूरत है अपनी प्रिपरेशन की वो कौन सा चैलेंज हो सकता है आई थिंक जो प्रैक्टिकल uh, लिहाज से बिज़नेस को देखते हुए इन द मार्केट सो दोनों को जो ग्रो कर चुकी है और जो ग्रो करना चाह रही है तैयारी कर रही है दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेज द कैश फ्लो हमें बहुत से एग्ज़ाम्पल्स बेानतहा एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं हमारी मार्केट में भी इंटरनेशनल मार्केट में भी जहाँ पे शॉक शॉक में ग्रो तो कर लिया लेकिन uh, जो ग्रोथ को ले नहीं सकना और उसके लिए फाइनेंस अरेंज नहीं होना और कैश फ्लो के इश्यूज आना वो अगेन कंपनियों को नीचे लेके जाता तो जिस तरह बहुत ज़्यादा खाने से डाइजेशन ख़राब होती है इसी तरह ग्रोथ बहुत ज़्यादा लेने से जो कि आपके पास एबिलिटी नहीं है उसको सस्टेन करने की तो दैट किल्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट तो ये दोनों के लिए एक कॉमन uh, uh, जो है इशू है Uh, दूसरा इंटरनल ज़्यादा चीज़ें हैं डिफरेंट जो है कि जो वो ग्रो कर रहा है अभी जो इसने ग्रो करना है सॉरी वो अभी नेसेंट कंपनी है स्मॉल कंपनी है फ्यू पीपल मल्टीपल रोल्स एक एक uh, बंदा या बंदी कर रहे होते हैं। तो उनको जो चैलेंजेस और इश्यूज़ आते हैं वो आते हैं हाउ टू डिवाइड अप वर्क एंड एट द सेम टाइम कीप कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अप देयर सो दैट दे वर्क एज एफिशिएंट टीम तो जब नए मेंबर्स आते हैं तो वो किसी और कल्चर से आए होते हैं आपकी कंपनी अभी नई है इसका अपना कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ तो देर इज़ अ क्लैश ऑफ कल्चर्स जो होता है सबसे पहले और uh, दूसरा क्लैश होता है इन टर्म्स ऑफ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और तीसरा होता है विजन का कि जो इम्प्लॉज़ शुरू में आपके साथ आते हैं वो आम तौर पर आप दे बाय इन टू योर पैशन एंड योर विजन और जो आप कहानी स्टोरी लेके चल रहे हैं उसको बाय इन करते हैं uh, जब ग्रो करना शुरू करती हैं सडनली ज़्यादा लोग आने शुरू होते हैं तो दे माइट ऑल ऑफ द माइट नॉट बी बाइंग इन vision योर विजन और योर मिशन तो वो फिर एक क्लैश क्रिएट होना शुरू हो जाता है uh, उसमें एक रिवर्स चीज़ भी होती है और वो स्पेशली उन कंपनीज के लिए होती है जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हुई हैं तो जो शुरू की टीम होती है वो लाडले होते हैं एंड एज़ यू ग्रो द टीम ग्रोज एज कंपनी ग्रोज तो वो फिर जो लाडले होते हैं उनको भी किसी सिस्टम के तहत आपको आहता आहिस्ता लेके आना पड़ता है एंड दैट इज़ सम देर इज़ एंड पहले तो हमारे साथ ऐसे नहीं करते थे जी आप पहले तो ये साहब ऐसे नहीं करते थे हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे अभी हफ्ता हफ़्ता होता है इनकी शक्ल नहीं नज़र आती यू नो दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स तो वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो हैं ह्यूमन साइड के ऊपर दैन टेक्नोलॉजी की साइड के ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी है वेच्योर uh, टेक्नोलॉजी है उस, उसकी टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले लोग आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे uh, वो वाले चैलेंजस आते हैं एंड ऑफकोर्स कम्यूनिकेशन कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस आते हैं। और उससे होता ही है कि एज यू स्टार्ट टू ग्रो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है आपकी कस्टमर सर्विस एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू शुड बी फोकसिंग दैट इज रियली रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो आप शुरू के दिनों में जिस किस्म की कस्टमर सर्विस आपने आदत आदत डाली अपने क्लाइंट्स को ग्रोथ में नए क्लाइंट्स को भी उसी तरह की कस्टमर सर्विस दे सकते तो हैं वहाँ भी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ठीक अच्छा सर अभी जब हम इस वीडियो से पहले डिस्कशन कर रहे थे तो आपने आ, कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जिसमें जो नई कंपनीज हैं जब वो ग्रो करना शुरू होती हैं तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट जब उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो देते हैं तो वो क्रेडिट के ऊपर जिसे कहते हैं अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं ग्रोथ तो के चैलेंजेस में एक एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि आ, बहुत सी कंपनीज जो हैं वो बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ तो इतने स्टेटिस्टिक्स होते नहीं हैं बट एक पुराना स्टेटस्टिक है अमेरिकन मार्केट का जिसका कंक्लूजन ये था कि एवरी फोर कंपनीज़ दैट गो अंडर उनमें से तीन कम से कम कंपनीज़ हैं चार में से वो इसलिए नहीं नीचे जाती कि प्रोडक्ट नहीं बिकता मार्जिन नहीं है कस्टमर नहीं मिल रहा इस वजह से नहीं जाती फोर में से तीन कंपनीज़ इसलिए बंद होती हैं बिकॉज दे काट मैनेज देयर ग्रोथ और ग्रोथ की मैनेजमेंट में वो पहले वाले जो हमने इशूज़ डिस्कस किए वो सारे इशूज़ प्ले करते हैं

वो इट्सर्फ अगर हम उसको देखें कि तो वो आइडिया दो तीन साल तक तो हमें बड़ा अट्रैक्टिव लगता है लेकिन तीन साल के बाद उसके आगे का जो ग्रोथ पाथ है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता और कुछ आइडियाज़ जो हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड था यहाँ पे एक इनक्यूबेशन सेंटर में आया और उनका आइडिया यही था कि वो एक जिसे कहते हैं कॉमिक कॉन्टेंट लेकर आएगा आइडिया उनका किसी ने बाय नहीं किया नहीं। आज वो पाकिस्तान की एक बड़ी लीडिंग कंपनी है जो शॉर्ट कंटेंट भी बनाती है और बल्कि उनको फॉलो करते हुए अब लार्ज फॉर्म्स भी शॉर्ट कंटेंट की तरफ आ रही है सो so, ये जो ग्रोथ है सर ये क्या जब आइडिया शुरू में कुक हो रहा होता है उसके अंदर ये एलिमेंट कहीं होता है नहीं उसमें एलिमेंट uh, सिर्फ उस हद तक होता है कि जो इनक्यूबेटी है उसका रीज़न फॉर कमिंग टू इनक्यूबेशन सेंटर क्या है राइट right. और uh, जो पैशन के साथ विद विजन विद होते हैं ना कहते हैं कि ड्रीम तो हर कोई करता है बट अगर उसने अपनी ड्रीम को सीरियसली ले लिया और उसको पैशन बना लिया अपनी लाइफ लॉन्ग तो वो लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करके काम कर रहे होते हैं और उनके लिए ये इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं आते आ, बट अगर वो आए इनक्यूबेशन सेंटर में इसलिए कि जी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी इधर से ऑलरेनियम मिल जाएगा एयर कंडीशन माहौल मिल जाएगा बड़े बड़े नाम आएंगे जो आके हमें बताएंगे तो इफ़ दैट इज़ मोटिवेशन तो फिर जो है ग्रोथ का जब जैसे ही देखें ग्रोथ जो है ये जिस तरह क्रिकेट का बॉल होता है ना उसकी शाइन बड़ी जल्दी उतर जाती है शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी लगती है ग्रोथ बट दैन इट रिक्वायर्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंस इट रिक्वायर्ज वर्किंग इन एंड आउट डे इन डे आउट मॉर्निंग टू इवनिंग रिक्वायर्स वेरी हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट एंड चैलेंजेस आएंगे प्रॉब्लम आएंगे कभी ग्रोथ ऐसी नहीं होती ग्रोथ विल हैपन दैन गो डाउन और इट विलम फ्लैट प्रॉब्लम आएँगे उनको उनकी सोल्यूशन वो सारी चीज़ें जो है मिक्स होके वो ग्रिट जो चाहिए वो आ, सिर्फ एंटरप्रेन्योर में नहीं उसकी पूरी टीम में चाहिए होती है एंड right. uh, वो अगर नहीं होगी तो फिर ग्रोथ एंड uh, दूसरी बात यह कि हम सक्सेस को कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं दिस इज इंटरेस्टिंग मैंने रिसेंटली इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ा है पहले मेरा भी आइडिया इतना नहीं था कि चार क्लाइंट मिल जाए थोड़ा सा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाए तालियाँ शालियाँ बच जाएँ कोई रिव्यूज़ आ जाएँ सोशल मीडिया पर आ जाए और हम कहते हैं वी मेड इट वी यू डन इट दैट इज नॉट सक्सेस वो तो अभी आप शुरू हुए हैं उस रास्ते के ऊपर तो अगर आप उसको डिफ़ाइन ही इस तरह करेंगे कि हाँ जी मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ इन टू ईर्यस थ्री ईयर्स भाई दो तीन साल में कौन सा कारोबार सक्सेस होता है सक्सेस right. वो होती है जिस वक्त आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स जबकि आपके सिस्टम्स इंटरनल ऑटो के ऊपर चले हों आपकी टीम के हर बंदे को पता हो कि क्या काम करना है क्या नहीं होना कस्टमर सर्विस आपकी इस्टबलिश हुई हो रॉ मटेरियल्स और परचेजिंग वट एवर एंड सेल्स आपकी चीज़ें आपके क्रेडिट्स जो हैं मैनेज हो रहे हो दैन इज़ द टाइम यू कैन से आई कैन रिलैक्स एंड दैट इज़ द टाइम जो सक्सेस होती है उससे पहले नहीं होती तो अगेन आई एम सॉरी बट आई विल से अगेन द क्वेश्चन इज रॉन्ग क्योंकि साल दो साल में कोई सक्सेस नहीं, हो। नहीं होती कोई सक्सेस नहीं होती बेशक बे आज की टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज के बावजूद नहीं होती बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ लेवल जहाँ पे आपकी चीज़ें ऑटो के ऊपर चल रही थीक आपके ऑफ़ कस्टमर्स हो, आपका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर हो आ, आपके सप्लायर्स और आपके जो है काम करने वाले वो सारे अपनी जगह के ऊपर सारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हो बिल्कुल यानी अगर कंक्लूजन में दूँ तो पहली आ, पहला जो हमारा सवाल था वो यही था कि इट्स नॉट जो प्रोडक्ट है वो आ, कितनी उसने मार्केट को कैप्चर किया है उसकी कितनी डिमांड मार्केट से आ रही है सेकेंड जो हमारी प्रसप्शन थी रिगार्डिंग की जी ग्रोथ है तो वो ग्रोथ काफ़ी हद तक एक एक हम, हमारे जहन में एक ग्राफ बन रहा होता है कि वो स्ट्रेट अवे जाएगा इट्स ऑलवेज एज एग्जैक्ट पैटर्न इन द ग्रोथ और जिसमें जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपकी कमिटमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और आखिरी जो हमारा सबसे अहम सवाल था कि आप जब एक आइडिया को कंसीव करते हैं तो क्या उस आइडिया को इस नज़र से देखना चाहिए कि आने वाले वक्तों में उस आइडिया की कितनी मार्केट जो है वो होने वाली है अगेन द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन योर विजन कि आप अपने आइडिया को किस तरह से ले कर चलते हैं सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टूडे और अब आपको हम और फर्दर वीडियोज़ हम भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल इंसाइट्स क्या होती हैं